अभी हम लोग यूपीएससी इकोनॉमिक्स एकेडमी मुखर्जी नगर में परिचर्चा कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। यह यूपीएससी का बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और यूपीएससी छोड़ दिए, नीचे से चलिए तो ग्रेजुएशन में भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बीपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवसर लागत बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये इसको आलोचक कहता है, यह एक प्रकार का भूत है कि उसको खदेड़िएगा तो कहीं भूत नजर नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लाइक ए घोस्ट, व्हेन इट इज कन्फ्रंटेड इट वैनिशेस। जैसे कोई कहता है भूत है तो डर लगा है, लेकिन अगर कमरा में आप प्रवेश कर जाइए और कहीं कुछ नजर नहीं आएगा तो आपको मन में हो जाएगा कि भूत है ही नहीं। जैसे इंडिया में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट जो है ही नहीं बहुत सारे केस में। जैसे एक बीए पास लड़का है और उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी? जीरो। और कोई आदमी उसको कहता है कि 7,000 देंगे वहाँ काम करो तो ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर इंजीनियर है और सचमुच वो कंप्यूटर इंजीनियर है, क्योंकि हमारे बिहार में बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर इंजीनियर हैं जो सर्टिफिकेट ले लिए पहले और कंप्यूटर का नॉलेज बाद में कहीं से प्राप्त किए, तो उनको हम नहीं मानते हैं। स्टूडेंट का एक अपना कैरेक्टर होता है, जो पढ़ता है सचमुच में तब वो उसका सर्टिफिकेट लेता है। आप देखे होंगे 3 इडियट्स में जिस व्यक्ति के नाम से जो पढ़ रहा था लड़का, 3 इडियट का हीरो जो था, वो उसका नाम ही नहीं था, वो गांव के जमींदार के बेटा के नाम से इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था। गांव का बेटा उतना बुद्धिमान नहीं था कि निकाल सके इंजीनियरिंग, वो निकाला और निकाल के वहाँ ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के कारण उसका इंजीनियरिंग में बराबर अच्छा रैंक आता रहा। लेकिन पास करने के बाद जो डिग्री मिली उसको, उस डिग्री को जा कर के अपने उस जमींदार के यहाँ सौंप दिया। इसमें एक फ्लॉ ये भी है कि कहीं भी फोटोग्राफ लगता है, जो आदमी एडमिशन लेता है उसको अपना फ़ोटो देना पड़ता है। लेकिन ये फ़ोटो का कंसेप्ट जो है 70s के बाद में आया, 70s के पहले फ़ोटो नहीं लगता था, केवल नाम, और लड़के का डेट ऑफ बर्थ लिखा जाता था, लड़की का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखा जाता था। कि लड़की का हम डेट ऑफ बर्थ कैसे बताएं आपको, तो हम एडमिशन नहीं लेंगे। प्रिंसिपल का ना ठीक है आप एडमिशन लीजिए, तब सरकार नियम बनाई कि लड़की से मत पूछिए कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। मेरी वाइफ का मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी की HOD कुमुदिनी सिन्हा थी, वो मेरी वाइफ की क्लास फेलो थी, उसका भी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं था। अब आप वो कोर्ट से वो एफिडेविट करा के दे दीजिए कि हमारे टिपन के अनुसार मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, वही माना जाएगा। तो समझ लीजिए सब क्या करेगा आदमी, जो जन्म लिए रहे 51 में या लिखा देगा 54। तो अपर लेवल में जहाँ की आपको बहुत हाईएस्ट सैलरी है, वहाँ आप 4 साल के बजाय 8 साल काम कीजिएगा। ये सब ट्रिकबाजी चलता था, तब आया कि नहीं फोटो लगना चाहिए। अब फोटो लगने के बाद कोई 3 इडियट्स का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अपना नाम अगर कर देगा और फोटो लगा देगा तो वो नाम के साथ वो फोटो भी होना चाहिए, हर जगह कंप्यूटर पर वो पोजिशन आता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति है, उससे हमको व्यक्ति नहीं मान के उसको लेबर मानिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का संबंध जो है उत्पत्ति के साधनों से है। पहली बात क्या है? उत्पत्ति के साधनों से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का संबंध किससे है? उत्पत्ति के साधन। उत्पत्ति के साधन 5 होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि उत्पत्ति के साधन 5 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्राइज। तो लेबर मान लीजिए लेते हैं, तो एक लेबर है वो अनस्किल्ड है, लेकिन टाटा उसको जो है प्रतिदिन 500 रुपया देने को तैयार है कि आइए हमारे काम कीजिए। और टाटा कंपनी के बगल में बिरला की कंपनी है, वो कह रहा है हमारे यहाँ आइए हम 600 देंगे। उसके बगल में अंबानी की कंपनी है,
वो कह रहे हैं हम 700 देंगे, तो हाई अनस्किल्ड कहाँ ज़्यादा लाइन लगा देगा, अमानी के पास, अमानी कहेगा हम 700 देंगे, तो 700 देंगे तो वो कहाँ जाएगा, अंबानी के पास, अंबानी को पता है कि इसको कम से कम कितना मिलेगा, कम से कम टाटा देगा कितना, 400-500, तो लिख लीजिए, अर्थमेटिक एग्जाम्पल हो गया कि टाटा दे रहा है 400-500 रुपया पर डे 8 आवर्स के लिए, बिरला दे रहा है 600 रुपया 8 आवर्स के लिए पर डे, अंबानी दे रहा है 700 रुपया पर डे, तो विवेकशील अनस्किल्ड लेबर, विवेकशील अनस्किल्ड लेबर कहाँ ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा दे रहा है। अंबानी भी बिजनेसमैन है, उसका भी बाजार में आदमी घूम रहा है, उसको पता है कि इसका मिनिमम वेज कितना है, तो उसका मिनिमम वेज कितना है, 500, तो मिनिमम वेज है 500 और दे रहा है उसको 700, मिनिमम वेज है 500 और दे रहा है 700, तो कोई भी श्रमिक मजदूर कितना पा रहा है और कितना उसका मिनिमम मजदूरी है, इस दोनों के अंतर को ट्रांसफर अर्निंग कहते हैं, कि अगर 500 दे रहा है वहाँ आया 700 देगा तो ट्रांसफर होकर चल जाएगा 700 वाला के पास, 700 वाला जो है अगर उसको कहेगा कि निकलो यहाँ से 400 पर करोगे तो तुरंत छोड़ के किसके पास चला जाएगा, फिर 500 वाला के पास। तीसरे इसका पहला नाम क्या दिया गया, ट्रांसफर अर्निंग, हस्तांतरण भुगतान, कितने मजदूरी पर वो आपके यहाँ काम कर सकता है मिनिमम, और उससे अगर आप अधिक देते हैं तो मजदूरी नहीं है, वो एक तरह का आप उसको रेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, इसी को इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक रेंट कहा जाता है। वेज एंड, वेज एंड ट्रेड, रेंट एंड वेज, रेंट किसका पुरस्कार है, रेंट जो है आमतौर पर पुरस्कार होता है लैंड का, और वेज पुरस्कार होता है लेबर का, ये कंसेप्ट है। लेकिन रेंट शब्द जो है उसके आगे अगर इकोनॉमिक जोड़ दीजिएगा तब वो रेंट पुराना वाला रेंट नहीं रहेगा, इकोनॉमिक रेंट का मतलब हो गया कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको इकोनॉमिक रेंट कहेंगे। इकोनॉमिक रेंट की एक नया टर्म आ गया है, इकोनॉमिक रेंट, तो हम लोग अभी आपको जो बता रहे थे एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग, तो एक्चुअल अर्निंग ज़्यादा है, क्लियर नज़र आ रहा है, एक्चुअल अर्निंग 700 है, ट्रांसफर अर्निंग कितना है, 500, तो दोनों के अंतर को कहते हैं इकोनॉमिक रेंट। यह एक तरह का आपको फायदा है, आपको एक तरह का फायदा है, और आप जब तक ये फायदा आपको मिलता रहेगा आप उसी कंपनी में रहिएगा। तो परिभाषा क्या हो गया, इकोनॉमिक रेंट को हिंदी में कहेंगे आर्थिक लगान, तो आर्थिक लगान वह भुगतान है जो न्यूनतम मजदूरी से अधिक दिया जा रहा है, न्यूनतम मजदूरी से अधिक दिया जा रहा है, तो उस अमाउंट को क्या कहेंगे, इकोनॉमिक रेंट। पर इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा और कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसको क्या कहा, ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों एक ही चीज है, यह बतलाता है कि मिनिमम
मिनिमम कितना आपको चाहिए वही आपका अवसर लागत होगा। मिनिमम कितना चाहिए आपको वही आपका अवसर लागत हुआ, वही आपका ट्रांसफर अर्निंग हुआ। उससे ज्यादा अगर कोई आपको दे रहा है तो आप उसके जॉब में चले जाइएगा। मिनिमम जो है वो उससे ज्यादा है ना। मिनिमम को क्या कहेंगे, ट्रांसफर अर्निंग। मिनिमम को क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे हमारे यहाँ पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा जो होगा वो कोई पे नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम यहाँ जहाँ रहते हैं और जहाँ खाते हैं वो सब हाई इनकम ग्रुप का है, इसलिए उसको हम जोड़ते ही नहीं हैं। यहाँ जो लड़का बिलोंग कर रहा है वो मोस्टली मिडिल इनकम ग्रुप से है और लोअर इनकम ग्रुप से है। हाई इनकम ग्रुप्स जो है यूपीएससी की तैयारी करता है इंजॉयमेंट के लिए, एनफ मनी उसको ट्रांसफर होता है और वो कार रखता है, कार से इंस्टीट्यूट में आता है, पढ़ाई करता है, कार से फिर जाता है। मकान भी लिए हुआ है तो बंगला टाइप का लिए हुआ है, वहाँ पर खानसामा रखे हुए जो खाना बनाता है। एक तो कहा कि सर हम शू साइनर भी रखे हुए, क्या एक आदमी रखे हो जो मेरे जूता को बूट पॉलिश करता है। मेंटेलिटी उसका अभी वही रॉयल फैमिली का जहाज हुआ है। रॉयल फैमिली का जो आदमी होगा झुक के जूता को पॉलिश नहीं करता है, बेल्ट को पॉलिश नहीं करता है, हो सकता है दांत को भी पॉलिश नहीं करता हो करवाता हो पॉलिश। दांत को जो है बहुत लोग पॉलिश करवाता है ताकि हंसे तो उसके हंसी में काफ़ी उजला पन नजर आवे, एक अच्छी मुस्कुराहट लगे। और बहुत आदमी हंसा कि बच्चा पूछ दिया कि मैडम रात में आप साग की सब्जी खाई थी क्या। पचा में देता है। हंसना बड़ा ही महत्वपूर्ण है, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो हंसने समय में आपका फेस कैसा होता है वही आपका रियल फेस है जिसका विज्ञापन में इस्तेमाल किया जाता है। हल्की मुस्कुराहट, तेज मुस्कुराहट, एक अट्ठास एकदम बना हा हा करना, वो तब होता है जो यूपीएससी निकल गया। जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट देखता है तो देखने वाला लड़का को झटका बर्दाश्त करने के लिए भी रहना पड़ता है। अभी देख रहे हैं जो हमारे यहाँ से लोग पास किए हैं कमीशन का, तो अभी तक फेसबुक पर उसका विज्ञापन, मैंने विज्ञापन नहीं आशीर्वाद निकल रहा है जगह जगह से, जगह जगह से। कुछ दिन तक निकलेगा क्योंकि जब तक अगला नहीं आएगा। और खुशी भी लगती है कि कल तक ले वो रोड पर था और अचानक जो रिजल्ट निकला तो अब गवर्नमेंट का गजेटेड ऑफिसर। गजेटेड ऑफिसर वही है जो जमींदारी सिस्टम में आके अंग्रेज जो है जमींदार बना दिया, एक अलग क्लास हो गया। गजेटेड ऑफिसर का मामूली नहीं है। अभी आप देख रहे हैं सीबीआई का किस्सा चल रहा है तो सब आईएएस आईपीएस पोस्ट से आया हुआ है। डायरेक्ट टेलीकास्ट में नंबर वन न्यूज अभी उसी का है। तो इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आज के डेट में अवसर लागत के बारे में जाना जाए। कहा जाता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये कहावत सुना है कि नहीं, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। भिखमंगा जो है चयन नहीं करता है कि इससे भीख नहीं लेंगे, उससे भीख नहीं है, ई भीख नहीं लेंगे, वो भीख नहीं लेंगे। और इसे रावण वाला भिखमंगा छोड़ दीजिए, जो आया कहा कि हम सीता को ही लेंगे, लेके उड़ गया। कहता है कि जिस जमीन पर सीता खड़ी थी वो पूरे जमीन के साथ ही लिए हुए उड़ के चला गया। कुछ अलग कहानी भी है कि बैठा के ले गया, तो कुछ लोग कहता है कि ऐसे किया वैसे के लिए, कुछ लोग देखे हैं अभी रिसेंटली उस जमीन को ही उखाड़ के ले गया। पढ़िएगा ये बड़ा रोचक। तो कहता है कि इकोनॉमी में अवसर लागत का मतलब हुआ न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम ब्याज। न्यूनतम ब्याज मान लीजिए है कोऑपरेटिव बैंक का, तो लोग कर्जा लेने उसी के पास जाएगा। गांव में स्टेट बैंक भी है या गांव में कोऑपरेटिव बैंक भी है, तो स्टेट बैंक मान लीजिए आपसे मांग रहा है 16%, तो कोऑपरेटिव बैंक मांगेगा आपसे 14%। तो 14% दे रहे हैं आप,
आज जबकि वो मांग रहा था कितना 16%, तो घटाइएगा तो आपको क्या महसूस होगा कि वहाँ जो है इकोनॉमिक रेंट ले रहा है, इंटरेस्ट प्लस इकोनॉमिक रेंट। स्टेट बैंक क्या ले रहा है? इंटरेस्ट प्लस इकोनॉमिक रेंट, क्योंकि इंटरेस्ट ले रहा है कोऑपरेटिव बैंक 14%। अच्छा, 14% में कुछ जोड़ के ले रहा है, अभी काहे ले जोड़ के ले रहे हो? हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा खर्चा है, कोऑपरेटिव बैंक का खर्चा कोई खराब है, उसका भी अच्छा है। तो इसलिए कहा जाता है कि इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिक रेंट का जो कंसेप्ट है मजदूरी पर, इसलिए आपको समझाएं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसमें दो तरह का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक है एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है? एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा क्या है? पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक्टिव होता है जो काम करता है, मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर जाता है, तो लेबर में ये गुण बहुत ज्यादा है। तो लेबर को हम लोग कहेंगे एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन लैंड क्या है? पैसिव है। आज देखिएगा, 1 करोड़ रुपये कट्ठा अगर दिल्ली में है तो 1 करोड़ रुपये कट्ठा गांव में भी जमीन हो गया, जमीन में है ऐसा कि नहीं 5 रुपये कट्ठा ले जाइए। वहाँ भी पेठिया जो कहा जाता है, विलेज हाट, पेठिया पर जहाँ दर्जी कपड़ा सिलता है या रसगुल्ला बना के बेचता है, उस जमीन की कीमत ही 50,000 रुपये कट्ठा या 1,00,000 रुपये कट्ठा हो गया हुआ है, जबकि उस सबका दाम पहले बहुत कम था। तो इसलिए कहता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है सब साधन पर मिल सकता है। लेबर का उदाहरण हम लोगों ने इसलिए लिया कि लेबर बड़ा ही आसान है इस बात को समझना कि लेबर 3 जगह 4 जगह जहाँ जा रहा है, तो जहाँ लास्ट जो जिसका सबसे मिनिमम वेज उसको जो मिल रहा है वो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, वो कहाँ पर जाके रुकता है, जॉब पकड़ता है। अब दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रेंट। यह इकोनॉमिक रेंट जो है वो लैंड से जुड़ा हुआ नहीं है, यह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से जुड़ा हुआ है। ये ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर लागू होगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं? रिलेटेड टू फैक्टर प्रोडक्शन, मिनिमम वेज नेसेसरी टू रिटेन इन जॉब। लिख लीजिए लाइन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज मिनिमम वेज नेसेसरी टू रिटेन दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और लेबर, दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और लेबर क्लियर हुआ बात? ट्रांसफर अर्निंग, इसमें 3 बात का कंसेप्ट आया ना, एक आया इकोनॉमिक रेंट, दूसरा आया एक्चुअल अर्निंग जो कब मिल रहा है, तीसरा है ट्रांसफर अर्निंग जिसका दूसरा नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीसरा नाम है मिनिमम वेजेज टू रिटेन दैट वर्कर, मिनिमम वेजेज टू रिटेन दैट वर्कर। उसी तरह से आप इसको आप कल्टीवेशन में भी डाल सकते हैं। लैंड आपका मान लीजिए 1 बीघा है और उसमें आप चावल उपजाते हैं तो आपको 50,000 की प्राप्ति होती है, गेहूं उपजाते हैं तो 60,000 की प्राप्ति होती है, मकई उपजाते हैं तो 30,000 की प्राप्ति होती है। ये 3 अपॉर्चुनिटी है। तंबाकू उपज करते हैं तो 35,000 की प्राप्ति होती है, बस इतना ऑप्शन हो गया। तो ये सब अपॉर्चुनिटी हो गया। इस अपॉर्चुनिटी में लास्ट और फर्स्ट, तो फर्स्ट जो है वही मिनिमम वेज हो गया कि मिनिमम 30,000 रुपया जो है हमको प्राप्त होता है मकई के उत्पादन से,
और उसी जमीन पर अगर हम गेहूं उपजाते हैं तो 60,000 की प्राप्ति होती है, तो इकोनॉमिक रेंट कितना हो गया, 30,000, 60,000 माइनस 30,000, तो 30,000 हो जाएगा मिनिमम नेसेसरी पेमेंट टू टेक दैट लैंड। लैंड को अगर कोई लेना चाहेगा तो वो जान जाएगा कि इसमें हमको 30,000 रुपया मिलने वाला है, इसलिए सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। नॉर्मल सप्लाई कर्व जो होता है वो जीरो से शुरू होता है, उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा अगर 45 डिग्री होता है। तो सप्लाई कर्व अगर 45 डिग्री है तो जीरो से शुरू होगा, और 45 डिग्री से कम है तो बाईं ओर घसकेगा, 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो वर्टिकल सप्लाई कर्व का मतलब हो जीरो इलास्टिसिटी, और ये 45 डिग्री है वो हो जाएगा इलास्टिसिटी 1। तो ये बात लिख लीजिए कि अगर किसी भी साधन का सप्लाई कर्व वर्टिकल है तो उसका ट्रांसफर अर्निंग जो है जीरो है, और जो भी मिल रहा है वह एक्चुअल अर्निंग है, जो भी मिल रहा है वो अभी जो भी मिल रहा है जो भी मिल रहा है वो एक्चुअल है, इसका ट्रांसफर अर्निंग नहीं है। तो मान लीजिए उसको 700 रुपया मिल रहा है तो उसका इकोनॉमिक रेंट कितना होगा, मतलब ट्रांसफर अर्निंग जीरो हो गया तो एक्चुअल अर्निंग 700 है, तो 700 माइनस जीरो 700। बोल मुंह खोलने के पहले दिमाग को पहले चलाओ, इकोनॉमिक रेंट का डेफिनेशन क्या हो, इकोनॉमिक रेंट इज इक्वल टू एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। सप्लाई कर्व अगर वर्टिकल है तो उस पर एक्चुअल अर्निंग जो होगा जो रहोगा ट्रांसफर अर्निंग जीरो हो जाएगा। ये क्वेश्चन है एसएससी का कि सप्लाई कर्व का अगर 90 डिग्री पर है, इलास्टिसिटी जीरो है, तो इस पर ट्रांसफर अर्निंग क्या होगा, जीरो, नो ट्रांसफर। तो जो उसको पैसा मिलेगा पूरा का पूरा इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा, 700 का 700 इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा। मालिक बराबर कहेगा कि हम ही हैं जो तुमको रखे हुए हैं, हम ही हैं जो तुमको बर्दाश्त कर रहे हैं। डाइवोर्स के पहले यही बात हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलता है कि हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, तो बोलेगा कि छोड़ दो, बर्दाश्त करना है तो तुम छोड़ोगे तब ना, तो हम तैयार हैं, तो निकाली कागज दस्तखत करो, दोनों दस्तखत किया दोनों का छुटकारा हो गया। तो वर्टिकल जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो जब होगा वर्टिकल में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो तो ट्रांसफर अर्निंग भी जीरो, जो मिलेगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक रेंट। एक हो गया। दूसरा है कि सप्लाई कर्व अगर हॉरिजेंटल है, सप्लाई कर्व क्या है, हॉरिजेंटल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें उसको जो भी मिलेगा एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों बराबर होगा। जैसे 700 रुपया लिख लीजिए कि 700 रुपया उसको मिल रहा है किसी नौकरी में, और जहां जा रहा है वहां 700 मिल रहा है, तो चुपचाप वो जहां घर के नज़दीक होगा वहां ज्वाइन कर लेगा, नज़दीक घर के होगा तो उसको क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा। सप्लाई कर्व हॉरिजेंटल है, सप्लाई कर्व हॉरिजेंटल है इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी। तब इसमें क्वेश्चन एसएससी का बन जाएगा, क्या क्वेश्चन बनेगा कि सप्लाई कर्व का इलास्टिसिटी अगर इन्फिनिटी है तो इकोनॉमिक रेंट और इकोनॉमिक रेंट क्या होगा, तो उत्तर होगा जीरो, क्योंकि एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग दोनों बराबर है, 700 माइनस 700 जीरो,
700 माइनस 700 क्या हो जाएगा? जीरो। एक्चुअल अर्निंग उसको हो रहा है 700 और ट्रांसफर अर्निंग भी है 700। एक्चुअल अर्निंग हो रहा है 700 और ट्रांसफर अर्निंग है 700। तो उस स्थिति में आप क्या पाओगे? इकोनॉमिक रेंट जीरो। कितना सवाल हो गया? ये किसी हालत में बना नहीं पाएगा एसएससी वाले, इसको क्लास में अगर ठीक से टीचर नहीं पढ़ाया हो और वो रट्टा मार रहा है तो रट्टा मारते रह जाएगा, नहीं होना है। क्योंकि दिमाग से सोचने वाला चाहिए, कंसेप्चुअल बात है। देखते ही आप समझ जाइए कि इलास्टिसिटी अगर 45 डिग्री का है, इलास्टिसिटी 1 है, तो वहाँ एक्चुअल माइनस ट्रांसफर अर्निंग कुछ ना कुछ अमाउंट निकल जाएगा। एक्चुअल 700 है और ट्रांसफर अर्निंग मान लीजिए 500 है, तो 200 रेंट हो गया। लेकिन वर्टिकल अगर है तो 700 एक्चुअल है, 700 ट्रांसफर अर्निंग भी है, सॉरी 700 एक्चुअल है और ट्रांसफर अर्निंग है जीरो। ऐसा आदमी है जिसको कि वही रख रहा है, तो पूरा का पूरा उसकी आमदनी क्या हो जाएगी? इकोनॉमिक रेंट। एक्चुअल अर्निंग है 700, ट्रांसफर अर्निंग है जीरो, तो लंबवत पूर्ति रेखा में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शून्य होता है। उसमें ट्रांसफर अर्निंग हो जाएगा उसका शून्य, और इसलिए जो मिल रहा है वही मिलेगा, और जो मिल रहा है वो हो गया एक्चुअल अर्निंग, जो पेमेंट हो रहा है, और माइनस क्या हो जाएगा? जीरो। तो इकोनॉमिक रेंट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा जो मिल रहा है। तो तीन केस इसमें बनता है, सप्लाई कर्व अगर अपवर्ड है, इलास्टिसिटी 1 है, तो एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग इक्वल टू इकोनॉमिक रेंट। सप्लाई कर्व अगर हॉरिजॉन्टल है तो देयर इज नो ट्रांसफर, एक्चुअल अर्निंग इज नो इकोनॉमिक रेंट, एक्चुअल अर्निंग इज इक्वल टू ट्रांसफर अर्निंग। 700 तुम दे रहे हो, 700 उसको बगल वाला भी दे रहा है, नो इकोनॉमिक रेंट। और वर्टिकल अगर है तो उसका ट्रांसफर अर्निंग होगा ही नहीं, ट्रांसफर अर्निंग हो जाएगा जीरो। तो जो मिल रहा है उसे माइनस जीरो करेंगे, तो जितना भी मिल रहा है वो पूरा का पूरा इकोनॉमिक रेंट होगा। तो हम इसको कंक्लूड करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तब होगा जब अपॉर्चुनिटी रहे। अरे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है तो जो मिल रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी रहेगा तब ना हम घटाएंगे और पता करेंगे इकोनॉमिक रेंट कितना है। तो इसलिए कहता है कि वर्टिकल सप्लाई कर में जितना भी उसको मिल रहा है पूरा का पूरा इकोनॉमिक रेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ ट्रांसफर अर्निंग जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर में एक्चुअल अर्निंग ट्रांसफर अर्निंग दोनों बराबर होता है, इसे दोनों घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, तो वहाँ इकोनॉमिक रेंट जीरो हो जाएगा। और अपवर्ड वाला में एक्चुअल अर्निंग 700 है, ट्रांसफर अर्निंग 500 है, तो 700 माइनस 500 बराबर 200 क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक रेंट। क्लियर है इतना बात? अब हम एंड करते हैं, ब्रेक इन द क्लास, ताली बजाइए।